भाजपा जिला अध्यक्ष सह विधायक नारायण दास ने वीआईपी चौक स्थित वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे, सभी ने हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं विधायक नारायण दास ने बताया कि जब से हेमंत की सरकार बनी है महिलाओं के प्रति प्रताड़ना बढ़ गई है, साथ ही नक्सलाइट भी बढ़ गए हैं। रांची में युवती का गला काट दिया गया है जिसका सर अभी तक नहीं मिला है। वहीं देवघर में भी ट्रिपल मर्डर हो गया है। पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खराब हो गया है। झारखंड प्रदेश में जब से ये हेमंत सरकार आई है और मांझी में जो घटना घटी, रोज बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, सिर काट के ले जा रहा है, नक्सली गतिविधि तेज हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, उसके आलोक में प्रदेश स्तरीय सूचना के तहत संपूर्ण जिले में आज भी यहाँ है, कल भी महिला मोर्चा के द्वारा होगा। ये निकम्मी सरकार जब तक हम लोग उखाड़ नहीं फेंकेंगे और यहाँ के जनता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनवरत ये आंदोलन हम लोगों का चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और ये सरकार का भी जाना तय है, क्योंकि सरकार झूठे वादे के तहत बनी है और एकमात्र खाली प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज अपहरण हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है और पूरी सरकार निकम्मी है और फेल हो चुकी है।